कि अगरचे हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन वो मेरे असातिज़ा के दर्जे के बुजुर्ग थे। चुनांचे वाजिद साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका ऐसा ही एहतराम करते थे जैसा अपने उस्ताद से करते। जब कभी नाम लेते थे बड़ा अदब से नाम लेते थे। तभी मैंने कोई सही लफ्ज उनके मुंह से नहीं सुना अपने हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। हालांकि इतना बड़ा छोटी इख्तलाफ था, तो इख्तलाफ अपनी जगह पर, ताजुब और तकलीफ अपनी जगह पर। वाजिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की शाम। वाजिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मतलब हम सफर में साथ थे, देवबंद से रवाना हो गए, कई आदमी थे और हजरत मदनी के साथ थे, हम किसी मुहिम पर जा रहे थे, किसी कोई जलसा होगा, कोई इज्तिमा होगा किसी मदरसे वगैरह का, तो जब स्टेशन पर पहुंच गए देवबंद के, तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई सुन्नत के मुताबिक अपना अमीर मुकर्रर कर लो सफर में। तो वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने कहा कि बस मुतायन है हमारा अमीर, तो मुतायन है आप हमारे अमीर, ठीक है, उसमें भी तकल्लुक नहीं फरमाया, अमीर हो गए। जब रेल आती नजर आई तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने वाली साहब फरमाते हैं कि अपना सामान भी उठाया, मेरा सामान भी उठाया, उसका भी उठाया, उसका भी उठाया, इसका यहां डाले और सबका सामान समेट रहे। तो हमने कहा हजरत हमने छीनने की कोशिश, किसी को जाने नहीं देते, उठाने नहीं देते, खुद ही उठाने। तो हमने कहा हजरत हमें भी मौका दे, अमीर हूं अमीर, किताब तो अमीर वाजिब है, अमीर किताब वाजिब, चलो चलो सबका सामान उठा के गाड़ी में पहुंचा। ये नजर आपकी शान थी, इन बुजुर्गों की शान थी, इनके नाम लेने के काबिल हम लोग नहीं है। अगला एक वाक्य और सुना, देवबंद में बहुत से लोग मौलाना हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से बुग्ज़ और इनाद रखते, दुश्मनी रखते, और हर ऐसे मौके की तलाश में रहते थे जिससे उनकी शान में कुछ बदतमीजी करने का मौका मिले। आवाम में थे वो, उलमा में नहीं थे। हुआ यूं कि बारिशें बंद हो गई उसी इख्तलाफात के जमाने में, शदीद इख्तलाफात, और ये बुजुर्गान देवबंद से अलग, दारुलूम से अलग, और वहां वो ये इख्तलाफ, तो बारिशें बंद हो गई, तो इस्तिस्का की नमाज का ऐलान फरमाया हजरत मदनी रहमतुल्लाह ने नमाज इस्तिस्का का। तो नमाज इस्तिस्का के लिए सब लोग गए, तो हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी गए, और हजरत मियां असर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह भी गए, और जितने उलमा थे जो दारुलूम के उनसे मुस्ताफी हो चुके थे वो भी गए, और नमाज इस्तिस्का दारुलूमी के मैदान में हो रही थी। हजरत मियां असर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े साहिब कश्म करामात बुजुर्ग थे। नमाज इस्तिस्का हुई, हजरत मदनी ने रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ाई, आ गए, फिर दूसरे दिन नमाज इस्तिस्का का ऐलान हुआ, नमाज पढ़कर आ गए, बारिश भी हुई, तीसरे दिन फिर नमाज इस्तिस्का का ऐलान हुआ। जब हजरत मदनी नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ने लगे तो हजरत मियां असरफ हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो कभी नमाज नहीं पढ़ाते थे, कभी इमामत नहीं करते थे, कभी नहीं करते, उन्होंने हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि अगर आप इजाजत दें तो नमाज न पढ़ा दूं। तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह तो पढ़ो, इससे बेहतर क्या बात है, जरूर तो सब एक दूसरे की हकीकत तो थी। हालांकि वो भी मौलाना मियां असगर हुसैन साहब उन लोगों में से थे जो दारुलूम देवबंद से मुताबिक हो चुके थे और तहरीक पाकिस्तान के हामी थे, लेकिन वहां में ऐसा ताजीम और तकरीम, तो इजाजत चाहिए हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से कि नमाज में पढ़ा दूं। तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बहुत इससे बेहतर क्या बात है, जरूर आप पढ़ा दें, नमाज पढ़ा दें। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैंने खुद सुना ये बात है वालिद साहब से,
تو مجھے تعجب تھا کہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھاتے، آج انہوں نے کیوں نماز پڑھائی، خود ہی کہہ کے نماز پڑھائی. تو کہتے ہیں کہ جب نکلنے لگے جانے لگے تو میں نے پوچھا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے آج نماز کیوں پڑھائی؟ کہا کہ بتا دیں گے بتا دیں گے. اور آگے آئے، جب دور آگے لوگ ادھر ادھر سے ہٹ گئے، فرمانے لگے بارش نہیں ہوگی. صاحب کشو کرامات تھے، بارش نہیں ہوگی. لیکن یہ جو جو لوگ مخالفت کرتے ہیں نا، مولوی حسین احمد غلط بولتے تھے، اس زمانے میں بزرگوں کے تکلفات نہیں ہوتے، مولوی حسین احمد، مولوی محمود الحسن، مولوی اصغر علی، مولوی شفیع، اس طریقے سے بات بولتے تھے کہ مولوی حسین احمد کے جو مخالفین ہیں نا دیوبند میں، ان کو موقع مل جاتا کہ وہ یوں کہتے کہ نماز بارش ہے، اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ نماز حضرت مدنی نے پڑھائی. ان مخالفین کو، انعت رکھنے والوں کو بکواس کرنے کا موقع مل جاتا اور وہ گالیاں دیتے حضرت مدنی کو. میں نے سوچا کہ جب مولوی حسین احمد پر گالیاں پڑھیں تو ان گالیوں کے اندر میں بھی شریک ہو جاؤں، ان گالیوں میں بھی شریک ہو جاؤں. یہ مقدس ہستیاں تھیں، ان کے ناموں کے ساتھ گرو بندی کا ذکر کرنا انتہائی پلے درجے کی لا انصافی بھی ہے اور بہت ہی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بس یہ بتانا ہوگا جی، کوئی تقریر ایسی بھی ہونی چاہیے جس کے بعد دعا نہ ہو، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم رہے کہ یہ بھی جائے.